आपका हो जाएगा हरे टाइप का, तो यहाँ से इसे काट देंगे। जैसे ये देखिए, ये दो है, ये हमने ले आया था लंगड़े का वैरायटी, लंगड़े का ले आया था, ये देसी पौधा है, ये हरा हो गया है, यहाँ से हम इसे काट देंगे देसी पौधे से ऊपर से, तो ये कलमी हो गया पौधा हमारा, ये लंगड़े का पौधा हो गया। इस तरीके से बांधते हैं। इसके बांधने का जून जुलाई अगस्त और इधर मार्च में, एक महीना मार्च होता है, ये चार महीने में बांध सकते हैं, और किसी समय बांधेंगे पौधा नहीं चलेगा, बरसात में बनेगा बस। हाँ, बरसात में, इधर मार्च में। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद अमेठी से, जहां पर उन्नत खेती का मंत्र लेकर पंतनगर से वापस लौटे किसान। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। खेत खनियान, धार्मिक एवं सनसनीखेज खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूथ कॉर्नर। उन्नत खेती का मंत्र लेकर पंतनगर से वापस लौटे किसान। 23 नवंबर को अमेठी जनपद के 25 किसान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से ओमकार सेवा संस्थान कटारी जामुआ अमेठी द्वारा 5 दिवसीय भ्रमण व प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड स्थित गोविंद बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गए थे। वहां से प्रशिक्षण लेकर उपरोक्त किसान आज वापस आ गए। इन किसानों ने विश्वविद्यालय में मशरूम की खेती, सब्जी और मसालों की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुपालन, मौन पालन सहित खेती के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी जानकारी हासिल की। इस मौके पर सूर्य कुमार तिवारी, राजेश कुमार शुक्ला, मोती चंद, दिनेश शुक्ला, राम प्रताप, चंद्र प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। यह खास रिपोर्ट थी दिलीप कुमार अमेठी संवाददाता। इस तरह से सेंटर बने हुए हैं, तो ये सेंटर जो आपके सेंटर पर आप इस समय है, ये सेंटर जो है सब्जी अनुसंधान, ये हमारा विश्वविद्यालय का एक छोटा फार्म है, ये 100 एकड़ में है, छोटा है, सबसे छोटा है, मतलब इस यूनिवर्सिटी का छोटा है, इससे अभी आगे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े फार्म है, ये अभी छोटा है 100 एकड़। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो बीज उत्पादन का कार्य होता है, सब्जी बीज उत्पादन, और दूसरा जो काम है आप जैसे किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजियों का डेमो काम, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने का, प्रदर्शन का, और मुख्य काम पूरे विश्वविद्यालय का जो है रिसर्च का काम होता है, जिसमें स्टूडेंट की पढ़ाई होती है, नए नए तरह के रिसर्च होते हैं। आप लोग भी देखे होंगे बीजों के दुकानों पर जब बीज मिलते हैं तो लिखा रहता है उस पर पंतनगर के बीज, बड़ी डीपली चीजें हैं, किसान जानता है कि पंतनगर के बीज का है, लेकिन वो क्यों लिखता है उसके पीछे बाद में हम आपको बताएंगे क्यों लिखता है। उसको लिखने के लिए परमिशन मिलती है, उस परमिशन को लेने के लिए वो क्या क्या करता है, बड़ी फॉर्मेलिटियाँ हैं, तब वो लिख पाता है, ऐसे लिख नहीं पाता। सब्जी जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज, सारी चीज वही है जो आपके यहाँ होती है, यहाँ होती है, बस है क्या चीज, केवल अगर ऐसे देखते चले जाएंगे तो आपको फिर वही लगेगा कि ये नेनुआ है जिसको हम कहते हैं तोरई, ये गोभी है, वो टमाटर है, लेकिन अगर उसके विषय में बताएगा कि क्यों है, क्या है उसकी नई तकनीकी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये चीज तो एक अलग है। तो हम आइए अब यहाँ से आपको सब्जियों का जो एक हमारा ये ब्लॉक बना हुआ है आपके घूमने के लिए, नई जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको दिखाने के लिए, उसमें हम आपको आपको यहाँ पर घुमाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पाउडर आता है उसमें बढ़िया से उबाला नहीं होने के नाते उसमें कीड़े पड़ता है, कीड़े से बचाने के लिए वो एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो चूहा मारने का उपयोग आता था,
आपने का गेहूं रखते थे उसका पाउडर बना के उसमें मिला और वो बहुत नुकसान करता है। अरे वैसे साहब बनियान किए गाठ वाली मिलते वो भूमदार वही तो बता रहा हूँ बाबू जी, वो बढ़िया से उबाले नहीं होते हैं क्योंकि आप बढ़िया से अगर पका दोगे तो उसका वजन और कम हो जाएगा, तो उन्हें तो ज्यादा वजन चाहिए, फायदा लेना है ज्यादा, तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। उस कीड़े को बचाने के लिए वो पाउडर वाले जो पाउडर हल्दी का है उसमें वो दवा मिला देते हैं जो हमको आपको पता नहीं चलता है और वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो ये हल्दी में ये दिक्कत है। वैसे हैदराबाद में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है हल्दी, उनके पास इसका प्रोजेक्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं। अब आजकल कौन कर रहा है वो तो मैं नहीं जानता, पहले डॉक्टर विक्रमा पांडे थे वो करते थे। सर वहाँ जब किसी चीज के लिए जाइए हमारे में वहाँ ये होता है कि आप उनसे टेक्निक ले लीजिए, बाकी मेरे पास कुछ नहीं, सब्जी मार्केट तो किया जाए इसके आगे वहाँ ये सब सच्चाई है। हम आप वहाँ पर जाएंगे तुरंत वो फिर बन जाएगा सामान चीज अपने से भाई लोहा है। सर इसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितना होना चाहिए? अब सर बता रहे हैं वही ना, ये क्रॉप कौन सी लगा रहे हैं, फसल कौन सी लगाए हैं। अब जैसे हम टमाटर लगा रहे हैं तो हमको टमाटर 60 सेंटीमीटर पर लगाना है तो हम 60 सेंटीमीटर पर होल करेंगे, और पाइप इसमें अगर लगाए हैं तो कौन सा पाइप लगाए हैं, अभी जैसे बताए हैं कि जिसमें होल जो है उसका 60। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास सपोज कर लीजिए कि सिस्टम नहीं जी, एक किसान के पास मान लीजिए कि वो ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाया है, सिस्टम नहीं लगाया है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आपके पास पाइप नहीं है, सिस्टम नहीं है, मल्च आप खरीदिए, मल्च जो है ऐसे बेड तो बन जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मल्च बिछा लिए कोई दिक्कत नहीं, पाइप गांव में घर में मिल जाएगा, पाइप लगा करके छेद कर मिल जाएगी। अब है क्या सिंचाई वाली, सिंचाई वाली चीज जैसे वो नाली बनी है बस ठीक है, एक नाली ये बनी एक नाली वो बनी एक नाली ये, तो हम बीमा स्टेशन के लिए बनाए हैं, किसान को तो यहाँ से वहाँ तक लगाना है ना, तो वो अपना उस नाली में पानी देगा। मैं कल वहाँ गया था नेपाल एक लेक्चर में, वहाँ पर हमने देखा कि किसान नाली तो बनाया बिल्कुल इसी तरह बेड भी बनाया जी, लेकिन पौधों को नाली में लगा दिए, उनको क्या था कि पानी देंगे तो नाली में रहेगा तभी तो पानी मिलेगा। हमने कहा कि अरे भाई ये बेवकूफता भर का मत लीजिए। बचत अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ अगर पानी नहीं आया, अगर यहाँ पर पानी नहीं आया तो खरपतवार नहीं होंगे, तो जब खरपतवार नहीं होगा तो आपको जो कोई भी वीडिसाइड का खरपतवार नाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। तो जब खरपतवार नाशी का जब खरीदवे नहीं करेंगे तो खरपतवार नाशी का बचत होगा, दो चीज। अब तीसरी चीज हम कंपेयर करते जा रहे हैं, अगर ओपन फील्ड में करते हैं पानी अधिक लगा खरपतवार हुआ उसमें आपको वीडिसाइड का पैसा भी लगा। तीसरा चीज जो मेन चीज है सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की लेबर चार्ज, जब इसमें हमारा खरपतवार नहीं होगा तो हम लेबर यहाँ क्यों लगाएंगे, लेकिन ओपन फील्ड में रहेगा तो आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा और लेबर इसमें सबसे महंगा है, लेबर की बचत हो गई। अब देखिए फर्टिलाइजर के केस में आइए, खाद पानी, अगर हम यही फसल ओपन फील्ड में किए हम फर्टिलाइजर लेते हैं और ऐसे छिटकवा करते जाते हैं, ऐसे ही तो छिड़कते हैं, तो पौधा तो हमारा यहाँ था पौधे को मिला लेकिन यहाँ भी फर्टिलाइजर आया, क्या मिला यहाँ किसके लिए मिला, घास के लिए मिला, तो फर्टिलाइजर अधिक मिला और फर्टिलाइजर का दुरुपयोग भी हुआ। यहाँ क्या है कि हमको जितना फर्टिलाइजर देना है अगर हमको इस पूरे प्लाट में केवल 5 किलो देना है तो हम सीधे उस ड्रम में वाटर सालेबुल आते हैं, वाटर पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर है उसमें घोल दिए, फिर उसी तरह जैसे पानी जा रहा है खोले बूंद बूंद करके उसके पास पहुंच गए। तो यहाँ साहब सूरा आपके यहाँ जगह जगह हाँ, अब है क्या ये जो पाइप है ना ये पाइप अलग अलग फसलों के हिसाब से मिलता है, फसलों के मतलब जैसे अगर हम इस 60 सेंटीमीटर पर मान लीजिए लगाए हैं
तो ऐसे पाइप आपको बाजार में मिलेगा जो 60 सेंटीमीटर पर होल है, आपको होल करना नहीं है।